10 मिनट में 50 खबरें। दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र के बीच जारी जंग पर अब अदालत में फैसला। केंद्र की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे 10 सवाल, अपने अधिकारों का दिया हवाला। केंद्र की याचिका में कहा गया, हाई कोर्ट का फैसला एक पक्षीय आदेश, भारत सरकार को अपनी बात रखने का नहीं मिला मौका। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में पूछा, क्या दिल्ली की सरकार केंद्र के कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर शाहों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल सरकार की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को दी है चुनौती। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी लड़ाई पर कांग्रेस ने केजरीवाल पर बोला हमला। अजय माकन ने कहा, केजरीवाल अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, सरकार आपसी तालमेल से चलती है, हमने भी दिल्ली में चलाई है सरकार। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में बड़े क्लियर कट लेट डाउन नॉर्म्स हैं। ये क्या एक ऑफिसर आ जाएगा दूसरा नहीं आएगा तो क्या काम रुक जाएगा? अगर अफसरों की वजह से ही काम होने और नहीं होने हैं तो फिर आपको क्यों चुन करके भेजते हैं? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार और संघ पर वार, कहा देश को आरएसएस की तरह चलाने की कोशिश में है बीजेपी। जहां भी ये आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं वहां आप जाके खड़े हो जाओ और इनको रोको। राहुल ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर भी साधा निशाना, कहा देश में एजुकेशन सिस्टम में संघ की विचारधारा थोपी जा रही है। मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री की मुलाकात पर भी राहुल ने ली चुटकी, कहा गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए पीएम को मनमोहन की पाठशाला की जरूरत पड़ गई। प्रधानमंत्री जी ने एक घंटे की पाठशाला ली हमारे प्रधानमंत्री जी से, समझने की कोशिश की कि भैया ये कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। राहुल पर संघ का पलटवार, मनमोहन वैद्य ने कहा राहुल का बयान उनकी अज्ञानता और हताशा को दर्शाता है। आरएसएस की आलोचना करके वे जो संघ विरोधी बुद्धिजीवी हैं, संघ विरोधी जो वामपंथी पार्टियां हैं, जो स्वयं मरणासन हैं, उनको वो अपने निकट लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी आरएसएस को गाली दे रहे हैं। बीजेपी महासचिव राम माधव का राहुल का जवाब, चार पुश्तों ने कोशिश की लेकिन संघ को रोक नहीं पाए। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर किया पलटवार, कहा शिक्षा में संघ का कोई दखल नहीं, राहुल के आरोप तथ्यहीन। मुझे लगता है कि उन्हें सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास है, तथ्यों पर कम, और इसीलिए शायद वो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, अमेठी किसी परिवार की जागीर नहीं, अमेठी जाकर मैंने जनता से किया वादा पूरा किया। मोदी मनमोहन मुलाकात पर राहुल के दिए बयान पर भड़की बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अगर मनमोहन के लिए आदर सम्मान होता तो अध्यादेश फाड़ कर फेंकने की बात नहीं कहते राहुल। यदि श्री राहुल गांधी जी के मन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी सिंह जी के प्रति इतना सम्मान होता तो जब वो सत्ता में थे तो ये ना कहते कि उनके अध्यादेश को फाड़ के फेंक देना चाहिए। राहुल के बाद सोनिया ने भी केंद्र सरकार पर अपने संसदीय क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप, बोली बदले की राजनीति कर रहा है केंद्र। रायबरेली पहुंची सोनिया केंद्र की अनदेखी से नाराज, यूपी सरकार के मंत्री की मौजूदगी में केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। राजस्थान सरकार से आश्वासन मिलने के बाद गुर्जरों ने खत्म किया अपना आंदोलन, नौकरियों में 5% आरक्षण देने को तैयार वसुंधरा सरकार। गुर्जरों को अति पिछड़ा वर्ग के तहत अलग से 5% आरक्षण देगी राजस्थान सरकार, विधानसभा में लाया जाएगा बिल। लेकिन लंबा संघर्ष चला है, लेकिन मुझे उम्मीद है
कि जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत थी उन्हें उनका हक मिल जाएगा। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान, जनता परिवार के विलय को लेकर असमंजस बरकरार। बोले नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित करने से कोई फायदा नहीं होगा, बिना सीएम उम्मीदवार चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली में पीएम से मुलाकात के बाद बोले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, कहा मैंने लालू के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शर्त तो अभी कह दिया एक जगह कि हम लोग यहाँ एक प्रोवर्ब्स है कि ना उमन हुई है ना राधा नाची है। बिहार के दानापुर में उमा भारती ने कैबिनेट के अपने सहयोगियों को दिखाया नीचा, रामकृपाल यादव की मौजूदगी में कहा जब तक रामकृपाल लालू के साथ थे तो जीत में होता था बूथ कैप्चरिंग का योगदान। अलगाववादियों को गृह मंत्री राजनाथ की सख्त चेतावनी, कहा भारत की धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, चीन तक पहुंचाया कड़ा संदेश। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। कल जाकर दो दिन शब्दों में 6 जून को बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साथ जाने को तैयार। रेडियो पर पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात के अगले शो का वक्त तय, 31 मई को सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात करेंगे मोदी। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा जनता से किए हर वादे निभाएगी मोदी सरकार। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में मंत्रियों और बाबुओं की मौज, 5 महीने में मिनरल वाटर पर 4,66,000 रुपए खर्च। आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा, अगर मंत्री और सरकारी बाबू बीएमसी की सप्लाई का पानी पीते तो सिर्फ 171 रुपए खर्च होते। मऊ से बीजेपी के सांसद हरिनारायण राजभर भूले मर्यादा, सभा में पत्रकारों के सामने जिले के पूर्व डीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का रांची ट्रैफिक पुलिस काट सकती है चालान, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में हजारीबाग से रांची पहुंचे थे। मुंबई में पुलिस थाने में हंगामा करने वाली दोनों टीवी एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज, जांच के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। अभिनेत्री पूजा मिश्रा और श्रुति गुप्ता के खिलाफ थाने में तैनात महिला कांस्टेबल से बसु की लूटी का आरोप, बीएन नगर पुलिस स्टेशन में जमकर गया था दोनों ने हंगामा। कोलकाता में तृणमूल के विधायक के दबंगई, आयोजन स्थल का गलत रास्ता दिखाने पर समर्थकों ने होटल में तैनात गार्ड से की मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पतंजलि फूड पार्क में हिंसक झड़प मामले में अब तक 8 गिरफ्तार, गिरफ्तार लोगों में रामदेव के भाई राम भरत समेत 7 बाउंसर्स, रामदेव से भी होगी पूछताछ। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की बढ़ सकती है मुसीबत, मैगी के विज्ञापन पर हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग ने भेजा नोटिस, 15 दिनों में मांगा गया जवाब, जवाब नहीं मिलने पर दर्ज हो सकता है मुकदमा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, लड़कियों ने एक बार फिर से मारी बाजी, 10वीं की परीक्षा में लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 97.82%, लड़के 96.98%। रेलवे में तत्काल टिकट लेने वालों को मिल सकती है बड़ी राहत, टिकट कैंसिल कराने पर आधा पैसा लौटाने पर विचार कर रहा है रेलवे, 1 जुलाई से लागू हो सकता है फैसला। अभिनेता सलमान खान ने ट्विटर पर जारी किया अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान का पहला ट्रेलर, वीडियो के साथ सलमान ने ट्विटर पर लिखा ये रहा। 5 जून को मलेशिया में होने वाले आईफा अवार्ड समारोह में मुंबई में पहली झलक, अर्जुन कपूर रणवीर सिंह होंगे होस्ट।
आईफा पर मुंबई में सितारों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई सितारे शामिल।